पूरे भारतवर्ष को नेतृत्व पर मैं अहद करता हूं कि मैं नमन करते हुए तिरंगे को आगे बढ़ते हुए और इस देश की एकता और अखंडता की शपथ लेते हुए नरेश कुमार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दबस्ता मंच के सामने से गुजरता हुआ सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार की आदत है जम्मू कश्मीर पुलिस दबस्ता मंच के सामने से गुजरता हुआ हवालदार इकबाल बाली के ज्ञाती जावेद इकबाल मंच के सामने से गुजरते हुए नमन करते हुए तिरंगे को आगे बढ़ते हुए और ये ऐड भी करते हुए कि भारत की अंदरूनी एकता और अखंडता को सदा कायम रखूंगा जम्मू कश्मीर से गुजरता हुआ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम की क्यादत में नमन करते हुए तिरंगे को आगे बढ़ते हुए असलम काकी बैंड पार्टी जो हमेशा काफी अरसे दराज से बैंड पार्टी उनके क्यादत में चल रही है आज का दिन उस महान शख्सियत की आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौका पर हमारे पुंछ में भी नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया गया और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी दी गई। उसके साथ साथ हमने यूनिटी प्लेस मिली कि हम अपने देश की अखंडता को इसी तरीके से बनाए रखेंगे, अपने देश की एकता को इसी तरीके से बनाए रखेंगे। आज नेशनल यूनिटी डे पर मैं सभी पुंछवासियों से, सभी जम्मू कश्मीर वासियों से, सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि वो अपने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए इस तरीके से काम करें और जिस तरीके से हमारे पुंछ में एक जो है अच्छा माहौल बना हुआ है, भाईचारे का, आपसी सद्भाव का माहौल बना हुआ है, इसको इस तरीके से बनाए रखें और अपने देश की एकता और अखंडता को और भी